हाँ तो भाई जैसे मयूर ने भाई ने बताया कि 31 जैन पास में ही है, तो उससे पहले करा लो ताकि आप एक सीएस जोन में आ जाओगे, बाद में आपके जो साथ है ना कोई लीगल प्रोसेस नहीं करेगी गवर्नमेंट। हाँ तो भाई कैसे हो सभी, अच्छे हो ना? और अच्छे ही रहना भाई, अच्छे हो। तो आज जो डेट है वो 27 जनवरी 2020 और सुबह का टाइम हो रखा है 10:30। ये साउथ अफ्रीका का टाइम है, इंडिया का टाइम के हिसाब से आप 3.5 घंटे ऐड कर लेना, ठीक है। तो आज अपने साथ में मयूर भाई हैं और इनसे थोड़ा बहुत ड्रोन के बारे में नॉलेज लेंगे कि भाई ड्रोन का लाइसेंस कैसे आप ले सकते हो, ड्रोन को कैसे रजिस्टर करा सकते हो, बाहर रजिस्टर करा सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में भाई से पूछेंगे। तो चलो फिर पूछते हैं। तो भाई हाँ थोड़ा बताओ कि आपके, चलो इनके ये खुद ड्रोन एक इंस्ट्रक्टर हैं और इनकी जो अकेडमी है उसके बारे में भी थोड़ा बता देगा, उससे फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार आपने अकेडमी का थोड़ा उसके बारे में बताओ कि वो किस पर्पज़ के लिए है और कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, थोड़ा एक ये बताओगे। मैं एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन से हूँ और उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। टोटल उसके 4 ब्रांच है, चेन्नई है, फिर हैदराबाद है, एक गुजरात में है और एक नोएडा में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स बेसिकली जो DGCA है उसका पैनल मेंबर है, इसीलिए अभी पूरे इंडिया में एक ही ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है जो ड्रोन ट्रेनिंग के लिए ड्रोन ट्रेनिंग दे सकती है। बाकी कोई भी अभी ऑथराइज नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग दे रही है, बट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन है वो DGCA का पैनल मेंबर है। आप जाके देख सकते हो, आप गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हो कि वो पैनल मेंबर है, एंड यू विल फाइंड दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन विल बी अ पैनल मेंबर ऑफ DGCA। और एक चीज़ और कि अभी रिसेंटली बता रहे हैं कि DGCA ने एक रूल मतलब कि फिक्स कर दिया कि भाई जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब कि जो अपना रजिस्टर नहीं कराएगा उसके खिलाफ लीगली एक्शन लिया जा सकता है, एक चीज़ ये चलाई है। तो क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है, मतलब और कब तक है जो डेट है उसकी रजिस्ट्रेशन की, उससे पहले आप रजिस्टर करा सकते हो, डेट कब तक वो बताइए। हाँ तो एक्चुअली वो है, वो किया क्योंकि उसका लास्ट डेट है 31 जनवरी 2020। तो ये कंपलसरी क्यों किया, क्योंकि आप सब ने देखा होगा इसराइल में ड्रोन से अटैक हुआ, जैसे अभी साउथ में भी ड्रोन से अटैक हुआ, ऐसे बहुत सारे अटैक हो रहे हैं। तो अटैक हो रहे तो जो मुजरिम है वो पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि आप ड्रोन, अगर आपके पास ड्रोन का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पकड़ नहीं सकते। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक्सीडेंट हो रहा है तो आप नंबर प्लेट से एटलीस्ट उसकी डिटेल निकाल सकते हैं कि हाँ XYZ नाम की ये गाड़ी थी, इसका ये मालिक है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो अभी DGCA ने कंट्री की सेफ्टी के लिए, इंडिया की सेफ्टी के लिए वो लोग ने क्या किया, फ्रॉम 13th of January 2020 से ड्रोन का एनलिस्टमेंट शुरू किया। एनलिस्टमेंट मीन्स आपको, आपका ड्रोन है तो आपको एक ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। हाँ, मीन्स कि आप रजिस्टर करा सकते हो तो उनके पास ही हो जाएगा कि कभी कुछ होता है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये ड्रोन किसका है। हाँ, तो मीन्स सीरियल नंबर जो ड्रोन में होता है उससे पता चल जाएगा कि भाई ये ड्रोन XYZ नाम का है। तो वो ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर है और एक ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये दो चीज़ आपको मिलेगी अगर आप ड्रोन रजिस्टर कराओगे तो। और एक रजिस्टर से ही बात बन सकती है कि मान लो कि आप अपने ड्रोन है, तुम्हारा कोई ड्रोन है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया जैसे, और आप फ्लाई करना चाहते हो, मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, फ्लाई करना चाहते हो, तो उसके थ्रू आप फ्लाई कर सकते हो, या फिर आपको मतलब कि जो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने ट्रेनिंग की है तो वो ज़रूरी है वो चीज़ भी। हाँ, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है, पहले ये नहीं था, लेकिन अभी अभी पुलिस और वो सब स्ट्रिक हो गए, क्योंकि अभी अभी DGCA ने भी सर्कुलर सभी पुलिस और वो लोग को जो लोकल अथॉरिटी है उनको बात दिया, इसीलिए सब कुछ कंपलसरी हो गया है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का मतलब है आप रेगुलेशन जानते हो, फिर आप ड्रोन का टेक्निकल जानते हो, आप लिमिट्स जानते हो कि इतनी हाइट के अबाव हम नहीं फ्लाई करेंगे, इतने रेंज में ही फ्लाई करना है, तो वो चीज़ आप जानते हो। और आप वो भी जानोगे कि नो फ्लाई जोन्स कौन से हैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप जान नहीं सकते नो फ्लाई जोन्स कहाँ है क्या है। तो जैसे बिना ट्रेनिंग का बंदा होगा वो एयरपोर्ट में जाके भी उड़ाएगा तो वो नो फ्लाई जोन में है, वो खाली खाली फंस जाएगा, वही चीज़ है। तो इसीलिए ट्रेनिंग लेना बहुत कंपलसरी चीज़ है। वो DGCA ने खुद भी, अगर आप जब DGCA का लाइसेंस वो लोग ने अभी शुरू नहीं किया है, वो अगर शुरू करेंगे तो भी वो लोग ने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए दिया हुआ है, मीन्स आपको ट्रेनिंग कंपलसरी है।
और इसका प्रोसेस का क्या होगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हो और आप ड्रोन लाइसेंस कैसे ले सकते हो, इसका क्या प्रोसेस होगा, एक वो और बता दो। हाँ, जैसे अभी ड्रोन का सिर्फ रजिस्ट्रेशन मीन्स एनलिस्टमेंट करना शुरू किया है अभी ड्रोन का। जो जैसे बाइक का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जो बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी शुरू नहीं किया है। ये जस्ट एनलिस्टमेंट नंबर क्यों लिया है, क्योंकि वो लोग के पास एक एक्नॉलेजमेंट रहेगा, पूरा लिस्ट रहेगा। लेकिन अभी DGCA का रिक्वायरमेंट क्या है कि एक NPNT है, नो परमिशन नो टेक ऑफ, वो ड्रोन में होना चाहिए, तब भी आप ड्रोन रजिस्टर कर पाओगे। तो एक्चुअली पूरे इंडिया में देखने जाए तो अभी NPNT कंप्लायंस ड्रोन अभी टोटल 8, 8 या 10 ही है, बाकी जो है वो कंप्लायंस नहीं है। तो ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको www.digitalsky का वेबसाइट है, उसमें आपको जाना है। उसमें जाके आप, अगर आपको ड्रोन एनलिस्ट करना है, एनलिस्ट मैं बोल रहा हूँ, एनलिस्ट करना है, तो आप वो एनलिस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ जाके आप अपना ड्रोन जो भी DJI का है आपके पास, पैरट का है, वो आप एनलिस्ट कर सकते हो। आपको जनरली कुछ नहीं करना है, फोटो अपलोड करना है ड्रोन्स का, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और सीरियल नंबर अपलोड करना है। फिर आपको एक अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट का कॉपी अपलोड करना है और एक एड्रेस प्रूफ देना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा या गैस बिल होगा वगैरह वगैरह, और एक क्वालिफिकेशन है जो मिनिमम 10th चाहिए, तो ये आप अपलोड कर पाओगे। तो वो इतना चीज़ आप करोगे तो आपको एक ON नंबर मिलेगा, ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर, और दूसरा ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। तो इससे आपका एक बार ड्रोन सेफ हो गया, मीन्स आपका DGCA में एनलिस्ट हो गया। अभी ड्रोन रजिस्ट्रेशन मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हम अगर होगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, तो वो भी वही वेबसाइट से होगा, लेकिन हम एक लंबा वीडियो बनाएंगे तो आपको बता देंगे, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये मैं अभी क्यों बता दिया आपको, क्योंकि 31 जनवरी बहुत नज़दीक है, तो आप जल्दी से करा सकते हो, क्योंकि उसके बाद वो लिंक बंद कर देने वाले हैं। हाँ, तो भाई जैसे मयूर ने भाई ने बताया कि 31 जैन पास में ही है, तो उससे पहले करा लो, ताकि आप एक सेफ जोन में आ जाओगे, बाद में आपके जो साथ है ना कोई लीगल प्रोसेस नहीं करेगी गवर्नमेंट। और ये चीज़ें वैसे हाँ मानता हूँ कि प्रोफेशनल्स के लिए भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोकल बंदे हैं वो भाई गांव में उड़ा सकते हैं या फिर शहर में उड़ा सकते हैं, इतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो प्रोफेशनल है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये है कि आगे आगे जाके गाँव वालों के लिए ज़रूरी होगा कि आप कहीं पर भी उड़ा रहे हो, मेन बात ये कि ड्रोन है ना, तो मेन बात ये कि हो सके तो रजिस्टर करा लो, उसके बाद क्या आपको इसके लाइसेंस भी मिल सकता है। ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग करनी है आपको, वो ट्रेनिंग के बारे में भाई बता देंगे, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ट्रेनिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे ट्रेनिंग, क्या प्राइस है, कितने तक ट्रेनिंग पड़ जाती है, उसके बाद अगर आपको ड्रोन इंस्ट्रक्टर बनना है ना तो वो कितने तक का हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, और ये सारी डिटेल आपको एक नई वीडियो में बता देंगे। इसमें यही है कि आप रजिस्टर करा लो, एक टाइप से रजिस्टर क्या है भाई ने बताया, एनालिस्ट वो करा लो, और ये चीज़ करा के आप एक सेफ जोन में आ जाओ। तो यही बताना था आज की वीडियो में भाई के साथ, तो जो नई वीडियो आएगी उसमें सारी चीज़ें बताएंगे, रजिस्ट्रेशन जो ड्रोन का कैसे करा सकते हो प्लस में, और जो अगर आपको ड्रोन का लाइसेंस चाहिए वो कैसे ले सकते हो, ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो प्लस में, कि कौन कौन सी अकेडमीज़ कहाँ हैं, उनमें कितना क्या प्राइस है, वो सारा प्राइस वगैरह बता देंगे। और अगर ड्रोन इंस्ट्रक्टर बनना है आज के टाइम पे तो कैसे बन सकते हो, तो भाई खुद एक ड्रोन इंस्ट्रक्टर है, तो पूरी डिटेल देंगे, टेंशन मत लो, और आगे चैनल पे बने रहे भाई। और कुछ आपको शेयर करनी हो इन्फॉर्मेशन तो आप बता सकते हो। तो हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे जिसके ऊपर से आप अपना ड्रोन एनलिस्ट कर सकते हो। हाँ, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपना ड्रोन एनलिस्ट कर सकते हो। और कुछ भी दिक्कत है तो मेरा फ़ोन नंबर लिंक में डाल देंगे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कैसे करना। हाँ, व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट होगा भाई का लिंक में डाल देंगे, और कोशिश करूँगा मैं इसका भी जाके इंस्टाग्राम अकाउंट बना दूँ, इसको भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर लेना, और इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन सारी आपको लिंक में मिलेगी। करना कि आपको चैनल को शेयर कर देना भाई, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास ड्रोन्स हैं वो अपना सेफ जोन में आ सकें। और भाई इतनी रखते हैं आज वीडियो, ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, मातरम, जय हिंद।